गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका अगेन वेलकम है। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें मैंने आपको बताया था, एक बार छोटा सा रिकैप हम लोग कर लेते हैं। हमने बताया था ये रियल नंबर का डेसिमल फॉर्म मैंने बताया था। हम सब जानते हैं कि रियल नंबर में रेशनल होते हैं और इरेशनल होते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दो पार्ट होते हैं रियल नंबर्स के। लेकिन इनका डेसिमल की बात किया जाएगा तो रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म दो तरह का होता है, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा बच्चों, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा, और अगर ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो रिपीटिंग होगा, यानी इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड या सिंपल में रिपीटिंग लिख सकते हैं। यानी हमने ये देखा कि डेसिमल रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म दो तरीके का होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा और अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो रिपीटिंग होगा, यस और नो। लेकिन इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग सा एंड नॉन रिपीटिंग साथ साथ होता है, यानी ये ना तो समाप्त होता है और न ही रिपीट होता है। अगर ऐसा डेसिमल फॉर्म है तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे आप समझे इस चीज को, जैसे 4.32, ये 2 के बाद आगे रुक गया, पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। यस, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि रुक गया। लेकिन अगर 0.23 23 23 इस तरीके से बढ़ते चला जाएगा तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि ये रुका नहीं लेकिन साथ साथ ये रिपीटिंग भी है, क्योंकि बार बार 23 23 23 रिपीट हो रहा है। तो ये दोनों फॉर्म, ये जो आप दोनों देख रहे हैं डेसिमल फॉर्म, ये दोनों डेसिमल फॉर्म किसका होगा डेसिमल फॉर्म, तो ये दोनों डेसिमल फॉर्म होगा रेशनल नंबर का। किसका होगा साहब, रेशनल नंबर का। यानी रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो रुक जाएगा, और अगर नहीं रुकेगा तो वो बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये दो तरह का डेसिमल फॉर्म होता है, किसका, रेशनल नंबर का। लेकिन जब इरेशनल नंबर की बात करेंगे तो हम जानते हैं इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। दैट मींस कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब हुआ, न तो ये रुक रहा है और न ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे 4.23 54 65 98 73 29 56 इस तरीके से ये बढ़ते चला जा रहा है, यानी न तो टर्मिनेट हो रहा है और न ही रिपीट हो रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है, ये रुक नहीं रहा है, इसका मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, साथ ही साथ ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह का जो डेसिमल फॉर्म होगा वो होगा इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म। यानी हमने सीखा रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो एक कंडीशन लगेगा कि वो पक्का पक्की क्या होगा, रिपीट होगा, यस और नो। जबकि इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, यस और नो। अब देखा जाए, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको ध्यान से आप लोग को नोट कर लेना है। 22/7 22/7 ये आपका एक रेशनल नंबर है। 22/7 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों है, वाई इट इज अ रेशनल नंबर, तो इसको रेशनल नंबर इसलिए कहेंगे कि क्योंकि इसको पी बाई क्यू के रूप में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां क्यू जीरो के बराबर
नहीं है। हम जानते हैं रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है और नीचे यानी डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होता है। या आप देख रहे हैं 22/7 ये हमारा क्या है, 22/7 ये हमारा p है और ये हमारा q है जो कि जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए 22/7 को हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। जबकि यहीं पर अगर पाई की बात हो जाएगी, इसी इंपॉर्टेंट में काम करेंगे, क्या पाई, पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। अब सवाल उठता है कि हम लोग मैथमेटिक्स बनाते हैं तो पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं, तो पाई का वैल्यू जब 22/7 हो गया तो पाई इरेशनल कैसे हो गया और 22/7 रेशनल कैसे हो गया। तो 22/7 रेशनल इसलिए है क्योंकि इसको पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन पाई इरेशनल इसलिए है क्योंकि पाई का यदि आप वैल्यू निकालेंगे डेसिमल फॉर्म में तो उसका डेसिमल फॉर्म कैसा होगा साहब, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, इसी वजह से पाई आपका इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू अभी तक बहुत सारे मैंने हजार लाखों या करोड़ों में पाई डेसिमल के बाद उतना डिजिट तक पाई का वैल्यू अभी निकाला जा रहा है। और कहा जाता है कि पाई का वैल्यू के लिए एक मोटा सा किताब है जिसमें पाई की वैल्यू लगातार लिखती जा रही है, यस और नो। इसलिए पाई का वैल्यू हम लोग एक्चुअल निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू के कारण ये हमारा इरेशनल नंबर होता है और p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट हो जाने के कारण ये पाई 22/7 हमारा रेशनल नंबर होता है। यस और नो, क्लियर हो गया, आप इसको उतार लें। अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी मैंने बताया आपको रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो साथ ही साथ रिपीटिंग जरूर होगा। तो डिवाइड करके हम बड़े आराम से पता कर सकते हैं कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, ये डिविजन के द्वारा हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 26/5 ये आपका एक रेशनल नंबर है। अब ये पता करना है कि इसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग हम रेशनल नंबर में जब भी बोले तो साथ ही साथ रिपीटिंग उसके अंदर जुड़ा हुआ है, इस बात का ध्यान आप रखेंगे, यस और नो। अब 26/5 की बात करें तो आप 26/5 यानी 26 को आप क्या करेंगे, 5 से आप डिवाइड करेंगे, तो 5 5 25 1 आ गया, आपने डेसिमल डाला यानी आपका कट गया, आपका आंसर आया 5.2। आपने क्या देखा इस डेसिमल में, आपने ये देखा कि 2 के बाद ये क्या हो गया, रुक गया, यस और नो, ये 2 के बाद आगे नहीं बढ़ा, इसीलिए ये क्या हो गया, हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, यस। यानी डिवाइड करके हमें पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग है। एक दूसरा एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, आप 1/3 ले लें, अब 1 को किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो आप ये लगेगा नहीं तो 0 डालेंगे तो 3 बार में 9 हो जाएगा, फिर 1 आया, फिर 3 बार में 9 हो गया, फिर 1 आया, इस तरह से 3 3 3 3 होते चला जाएगा। तो आपने क्या देखा, 0.333 इस तरीके से होते जा रहा है, यानी 1/3 का डेसिमल फॉर्म क्या हो गया, आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग जब बोले हैं तो साथ ही साथ रिपीटिंग उसके अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि बात हो रही है अभी रेशनल नंबर की, यस और नो। तो आपने देखा कि अगर ये रेशनल नंबर दिया हुआ है और आपको ये पता करना है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो बड़े आराम से आप डिवाइड करके पता कर सकते हैं कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन सवाल यहां से नहीं आता है, सवाल ये आता है कि बिना डिवीजन के आपको पता करना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, यस और नो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 पर रेकरिंग, मैंने आपको पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि जो डिजिट रिपीट होता है उसके ऊपर रेकरिंग आप लिख सकते हैं, यस और नो।
यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान दे, हमारा टॉपिक है फाइंडिंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बाय विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए किसी रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये हमें आप पता करना है और क्या तरीका है उसका, इसको जानेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि जब भी कोई रेशनल नंबर देगा जिसका पता करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में देगा जहां q जीरो के बराबर नहीं होगा। अब इसमें आपको ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देना है क्या, कि ये जो रेशनल नंबर आपको देगा इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर, p एंड q का कॉमन फैक्टर यानी HCF क्या हो जाए, 1 हो जाए। HCF किसका, p और q का 1 हो जाए। इस फॉर्म में आपको पता करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं, जैसे 9/15 है, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, यस, लेकिन अभी आप यहां से पता नहीं कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। यहां इसको आपको करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, तो 9/15 को क्या हो जाएगा, 3/5। अब 3/5 को देख के हम ये पता कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपको सबसे पहला ध्यान इसमें यह देना है कि अगर ये कटने वाला है तो इसको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है, तब ये डिसीजन होगा कि कौन टर्मिनेटिंग होगा और कौन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आ रहा है, यस, ध्यान दीजिएगा। जैसे 4/5 है, यहां देख के पता किया जा सकता है कि कौन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर यहीं पर 20/25 रहेगा तो बिना इसको सिंपल किए हुए आप पता नहीं कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। यस और नो, ये बात समझ में आ गया। यानी सबसे पहले जो रेशनल नंबर आपको दिया हुआ है उसको आप क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ लेंगे। अब क्या करते हैं, इसको ध्यान देना है, ऊपर वाले पर कोई ध्यान नहीं देना है। यानी ये p बाई क्यू मान लिया जाए ये सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका, रेशनल नंबर का, सबसे छोटा फॉर्म है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि p को नहीं देखना है, देखना किसको है, q को। इंपॉर्टेंट क्या है, q है। अब क्या करेंगे आप, q का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे साहब, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका निकालेंगे, q का निकालेंगे। और अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2^m के फॉर्म में हो, यहां m और n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 2^m के फॉर्म में हो या 5^n के फॉर्म में हो या 2^m × 5^n के फॉर्म में हो, यानी कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि q का प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 हो, केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तीसरा कोई और नहीं हो, अगर ऐसा होगा तो इसका डेसिमल फॉर्म हमारा टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा साहब, टर्मिनेटिंग होगा। फिर से वापस रिपीट करते हैं, आप p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे जिसमें q को देखना है, p को नहीं देखना है, q को देखना है, और q का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 हो, केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तीसरा कोई और नहीं हो, तो हम ये कहेंगे कि इस रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म पक्का पक्की क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। यस और नो। और अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन q का लिया और यहां अगर गलती से उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई हो जाए, यानी मान लिया जाए 3 आ जाए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, 7 आ जाए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, यस और नो, अगर इस तरह के कुछ नंबर्स 2 और 5 के अलावा अगर आ जाता है तो उसका डेसिमल फॉर्म पक्का पक्की क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यस और नो। यानी फिर से वापस रिपीट करते हैं, q का डेसिमल फॉर्म में केवल 2 हो, q का प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 हो,
केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो उसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई आ गया तो उसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आइए एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग इसको समझते हैं। क्वेश्चन डालेगा आपको कि नीचे जो रेशनल नंबर दिया हुआ है उसमें आपको पता करना है बिना डिवीजन के कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग। फाइंड टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स विदाउट एक्चुअल डिवीजन। पहला क्वेश्चन आपको देगा सेवन बाई 25। यस, अब यहां देखिए इसको बनाते हैं। पहले हम सेवन बाई 25 को बनाते हैं। सबसे पहले इसको देखेंगे सेवन बाई 25 जो है वो क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो बिल्कुल है, क्योंकि 7 बाई 25 कटेगा नहीं। अब देखना किसे है, मैंने अभी बताया था क्या ये P है और ये Q है, देखना ऊपर वाले को नहीं है, देखना किसे है नीचे वाले को। यस और नो? अब आप क्या करेंगे, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप निकालते हैं तो 5 से 5 यानी 5 पर पावर 2 आप लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 7 बाई 5 पर पावर 2 आप लिख सकते हैं। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, यहां डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं इसका प्राइम फैक्टर में केवल और केवल क्या आया है 5, और मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि अगर 2 हो केवल केवल 5 हो और 2 और 5 दोनों हो, तीसरा कोई और ना हो, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो क्या लगता है आपको, ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा? ये टर्मिनेटिंग होगा, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, ये हमारा क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। यस, बढ़िया से समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखें आपको देगा 5 बाई 27। अब 5 बाई 27 आपको दिया तो आप इसको देखिए तोड़ने का कोशिश कीजिए तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। अब इसमें आप किसको देखेंगे, 27 को देखेंगे, तो 27 को क्या लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 5 बाई 3 पर पावर 3। तो इसके प्राइम फैक्टर में कौन है नीचे वाला का 3 है, और मैंने बताया था कि 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन 2 और 5 के अलावा हो जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए इसका डेसिमल फॉर्म हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। एक और क्वेश्चन हम लोग कर ले, ऐसा दे सकता है अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां देखेंगे कि इस 5 से ये कट गया, ये 4 है और ये 16 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यस, ठीक है, और ये 3 से क्या हो गया 5 हो गया, यानी हमारा आया 1 बाई 5 इंटू 4 इंटू 5, यानी 1 बाई 5 इंटू 2 इंटू 5। अब आप क्या देख रहे हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 5 पर पावर 2 इंटू 2 पर पावर 2, यानी इसका केवल और केवल 5 और 2 है, इसीलिए इसका भी डेसिमल फॉर्म होगा हमारा टर्मिनेटिंग। तो हमने अभी बड़े अच्छे तरीके से सीखा कि बिना डिवीजन किए हुए हम कैसे पता करेंगे कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। इसको उतार लीजिए आप। इसके आगे का बात करें, देखिए अगर कोई
फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन मतलब रेशनल नंबर दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको तो आप डेसिमल में चेंज करेंगे और आप ये पता कर लेंगे कि वो रिकरिंग है या रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, बड़े आराम से आप पता कर लीजिएगा। यानी इस चीज को समझे हम लोग कि जैसे 1/3 तो इसका डेसिमल फॉर्म 0.3 पर रिकरिंग होता है, यस। यानी आप क्या देख रहे हैं, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 1 को 3 से तो ये हमारा आ जाएगा, यानी इसको हम इसमें चेंज करना, ये बड़े आराम से हम लोग चेंज कर सकते हैं, यस और नो। यानी फ्रैक्शन को किस में, रेकरिंग में, फ्रैक्शन को रेकरिंग में हम लोग बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं। उसका तरीका है आप डिवाइड करते जाइए और जो कोशियंट है, जो भागफल है, उसको आप देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा कि रेकरिंग में आया और कहां से आया, यस और नो। तो फ्रैक्शन को रेकरिंग में चेंज करना बहुत ही इजी हो जाता है डिवाइड करके, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे रेकरिंग को किस में बदलना, फ्रैक्शन में बदलना। यानी ये दिया हुआ है और इसमें चेंज करना है तो ये तो बहुत इजी है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि रेकरिंग दिया हुआ है उसको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, ये हम लोग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, चेंजिंग ऑफ रेकरिंग इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब यहां पर हो गया P/Q के रूप में, देखिए सपोज दैट एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जीरो पॉइंट फाइव टू है, इस पर रेकरिंग है और इसको किस में चेंज करना है साहब, इसको चेंज करना है हमें फ्रैक्शन में P/Q में, यस और नो। ध्यान दीजिएगा आप इस चीज को, बड़े ध्यान से इसको समझेंगे, एक दो एग्जांपल आप समझ जाएंगे तो बड़े आराम से आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स सवाल बड़े आराम से हल हो जाएगा, ध्यान से समझा जाए। सॉल्यूशन को देखेंगे, ये 0.52 है, हम लोग मान लेते हैं कि x कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0.52 रेकरिंग है, यस। यानी लेट x इज इक्वल टू 0.52 पर रेकरिंग, यस। और जैसा कि मैंने बताया है कि जितने डिजिट पर रेकरिंग होता है वो नंबर क्या होता है, रिपीट होता है, इसका मतलब आप x इज इक्वल टू 0.52 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन वन, क्या मान ले साहब, इक्वेशन वन, यस। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना है, तरीका क्या है इसका, इस तरफ अगर LHS में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 100 से करेंगे तो इसमें भी 100 से करेंगे, इसमें 1000 से करेंगे तो इसमें भी 1000 से करेंगे, इसमें 10000 से करेंगे तो इसमें भी 10000 से करेंगे। यानी जिससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे उधर उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे, और ध्यान देना है मल्टीप्लाई 20 से नहीं करना है, मल्टीप्लाई 12 से नहीं करना है, मल्टीप्लाई जब करना है तो आपको 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000 इससे करना है। और ध्यान क्या देना है इसमें, इस चीज को समझिए कि तब तक आपको मल्टीप्लाई करना है जब तक डेसिमल के बाद का नंबर सेम ना हो जाए, यस। तब तक करना है, डेसिमल के बाद का नंबर सेम होना चाहिए, यस और नो। ध्यान दीजिएगा एग्जांपल से, इक्वेशन वन को हमने मान लिया जाए 10 से मल्टीप्लाई, यस। मल्टीप्लाइंग यहां लिख सकते हैं आप, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10, तो जब 10 से करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा साहब, 10x, और इधर गुना करेंगे तो आप जानते हैं डेसिमल यहां पर है, 10 से गुना करेंगे तो डेसिमल एक अंक राइट चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना हमारा साहब, 5.25252 इस तरीके से होते जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं, यहां डेसिमल के बाद कितने हैं, 52 है, और यहां डेसिमल के बाद क्या हो गया, 25, इसका मतलब डेसिमल के बाद वाला अंक सेम
नहीं है, और मैंने बताया कि तब तक करते रहना है जब तक कि डेसिमल के अंक बाद वाला अंक सेम नहीं हो जाए। अगेन हम लोग इक्वेशन वन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साहब, 100x इज इक्वल टू, जब 100 करेंगे तो ये 52 हुआ, डेसिमल के बाद दो अंक, पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 52 52 52, इस तरीके से इक्वेशन 3 हो जाएगा। यस, अब आप देखिए इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में आप देखिए दोनों की दोस्ती है, दोनों की दोस्ती क्या है साहब, इस दोनों के में डेसिमल के बाद वाला अंक क्या है, सेम है, यस और नो, और यहीं तक आपको इसमें मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि डेसिमल वाला बाद वाला अंक यदि सेम है तो जब दोनों को इसको माइनस करेंगे, जब बड़े को छोटे से छोटे में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा डेसिमल के बाद वाला अंक जीरो हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहां पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम थ्री, इक्वेशन वन को थ्री से हम लोग घटा देते हैं, यस और नो, तो इक्वेशन थ्री क्या है साहब, तो 100x इज इक्वल टू 52.525252 इस तरीके से है, यस yes? और इक्वेशन वन क्या है, x इज इक्वल टू 0.525252 इस तरीके से, अगर इसको आप माइनस करते हैं यहां तो 100 में से a वो गया तो कितना बचा साहब, 99x हुआ, यस yes? यहां डेसिमल के सामने डेसिमल दीजिए, सब ये जीरो जीरो होते चला गया, 2 और 5। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्यों बताया कि तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक डेसिमल के बाद वाला अंक सेम ना आ जाए, डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला अंक सेम आने का मतलब हुआ कि डेसिमल के बाद जीरो हो जाए, और डेसिमल के बाद जीरो हुआ तो इसका वैल्यू खत्म हो गया, इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ, यस। अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं, हमारा आ गया 99x इज इक्वल टू 52, तो इसलिए x इज इक्वल टू 52/99, और यही हमारा हो गया p/q के फॉर्म में हो गया, यानी हमारा ये रेकरिंग किस में बदल गया, रेशनल नंबर यानी p/q विल में, यानी फ्रैक्शन में चेंज हो गया। उम्मीद करे होंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल शॉर्ट में आप समझिए, जैसे 0.539 दिया और इस पर रेकरिंग कर दिया, यस yes? तो आप क्या करेंगे इसको, आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.539 और इस पर रेकरिंग मारेंगे, इसका मतलब x बराबर क्या हुआ, 0.539 39 39 39, इस तरीके से होते चला जाएगा, यस yes? ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा साहब, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अगर हम इसको 10x करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 से गुना करते हैं तो क्या होगा, 5. चूंकि डेसिमल के बाद एक अंक आगे चला जाएगा, तो 5.39 39 39, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अभी भी हम मिलाते हैं तो डेसिमल के बाद यहाँ 53 है और यहाँ 39 है, इसका मतलब नहीं होगा। फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या होगा हमारा, 53.939393, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अगेन हम देखते हैं फिर नहीं मिल रहा है, फिर हम यहाँ 1000 से करते हैं तो 539.393939, इस तरीके से इक्वेशन 4 हुआ। अब हम क्या देख रहे हैं, किसके डेसिमल के बाद वाला अंक सेम है, तो इक्वेशन 2 में क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर डेसिमल के बाद वाला क्या है, 3939 है, और इक्वेशन 4 में भी डेसिमल के बाद क्या है, 3939, इसका मतलब इस दोनों इक्वेशन की दोस्ती हो जाएगी, जो बड़ा इक्वेशन है उसमें से छोटे इक्वेशन को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। आइए इसको हम ऊपर कर लेते हैं, इक्वेशन 4 में से किसको माइनस कर देंगे, इक्वेशन 2, कोई जरूरी नहीं है कि इक्वेशन 1 को ही माइनस करना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। अब क्या होगा आपका, 1000x इज इक्वल टू 539.3939, इस तरीके से तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। और 2 में क्या है हमारा, 10x इज इक्वल टू 5.3939, अब इसको आप करेंगे तो 990x इज इक्वल टू डेसिमल के बाद वाला अंक तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा यहां, तो क्या होगा, 435, यस,
फाइनली आंसर आया x इज इक्वल टू 534/990। यही हमारा P/Q का फॉर्म है। उम्मीद करें होंगे आप लोग को समझ में आया होगा बेहतर तरीके से, इसको उतार लिया जाए। यानी अभी हम लोग पढ़े रेकरिंग को फ्रैक्शन में चेंज करना, लेकिन रेकरिंग को फ्रैक्शन में चेंज करने में ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन आप जब स्कूल का एग्जामिनेशन देंगे तो आपको यही प्रोसेस से आपको लिखना है। लेकिन इसको निकालने का एक ट्रिक भी है, अगर आप उसको देखेंगे बहुत ही आसान तरीका है जिस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। ध्यान देंगे ट्रिक क्या है इसका। जैसे हमको करना है क्या, 0.53 पर रेकरिंग है सपोज कर, यस। तो इसमें करना क्या होता है, पहले नीचे वाला को आप लिखेंगे, पहले आप डिनोमिनेटर निकाल लीजिए ऊपर, फिर बाद में न्यूमरेटर निकाल लेंगे। डिनोमिनेटर निकालने के लिए आपको ध्यान देना है दो बात। पहला बात यह ध्यान देना है कि जितने अंकों पर रेकरिंग होगा उतना 9 नीचे लिखाता है। यहां आपने क्या देखा, कितने अंक पर रेकरिंग है, तो दो अंक पर रेकरिंग है, इसलिए यहां 29 यानी 99 नीचे लिखा गया। यस और नो। साथ ही साथ एक और बात आप ध्यान देंगे कि सपोज दैट यहां पर रेकरिंग है दोनों अंक पर, लेकिन 0 के बाद कोई ऐसा नंबर होता जिस पर रेकरिंग नहीं होता, तो अगर डेसिमल के बाद जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे लिखते हैं, और डेसिमल के बाद जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 नीचे लिखते हैं। यानी नीचे के लिए दो चीज हमने सीखा, पहला पॉइंट कि जितने अंकों पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे लिखते हैं, और जितने अंकों पर डेसिमल के बाद रेकरिंग नहीं है उतना 0 नीचे लिखते हैं। यस और नो। चूंकि यहां डेसिमल के बाद दोनों अंक पर 9 है, कोई ऐसा अंक नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं है, इसका मतलब यहां 0 नहीं लिखाएगा। यस और नो। अब ऊपर की बात करते हैं, ऊपर क्या करेंगे, टोटल नंबर को ऊपर लिख लेते हैं, और बिना रेकरिंग वाला जितना भी डिजिट है उसको उसमें माइनस कर देते हैं। यस और नो। इसमें यह नहीं ध्यान देना है आपको कि डेसिमल के बाद कौन है, डेसिमल के पहले कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल टोटल नंबर को उठा के यहां लिख देंगे, आपने क्या लिखा है, टोटल नंबर क्या है, 53 है। यस। और बिना रेकरिंग वाला क्या है हमारा, 0 है। यस। इसलिए हमारा आंसर आया 53/90। यस। एक और क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, हमारे पास रहेगा 0.3269 ऐसा है। तो मैंने क्या तरीका बताया था आपको कि जितने अंकों पर रेकरिंग है 1, 2, 3 यानी 3 9 यहां नीचे लिखा जाएगा। यस। साथ ही साथ डेसिमल के बाद एक अंक ऐसा है जिस पर रेकरिंग नहीं है तो उतना 0 नीचे लिख दिए। अब नीचे का काम हो गया, नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं ऊपर का, तो ऊपर में टोटल नंबर लिखते हैं, तो टोटल नंबर हमारा है 3269, और उसमें बिना रेकरिंग वाले नंबर को घटा देना है, तो बिना रेकरिंग वाला नंबर क्या है, 3 है, तो आपने इसको 3 को माइनस कर दिया, तो हमारा आया 3266/9990। आपको समझ में आया। एक और एग्जांपल के तौर पर हम देख लें, ऐसा है अगर तो क्या करेंगे आप, यहां पर डेसिमल के बाद 3 अंक है जिस पर आपको रेकरिंग है, तो 999 यहां लिख देंगे। यस और नो। कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं है जो डेसिमल के बाद है, तो 0 यहां नहीं होगा। अब ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर में टोटल नंबर 5269 ले लेते हैं, और उसमें बिना रेकरिंग वाला किसको, क्या है बिना रेकरिंग वाला, यहां 5 है, उसको घटा देते हैं, तो हमारा हो गया 5264/999। ये स्मार्ट तरीका है जिस तरीके से आप रेकरिंग वाले को बड़े आराम से आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप इसको क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। आज हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद की बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।
ऑल द बेस्ट, जय हिंद।